हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ायरा। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं बॉलीवुड की टॉप 5 खबरों से। ऑस्कर 2023 के लिए भारत की तरफ से गुजराती फिल्म छेल्लो शो को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। इस गुजराती फिल्म को पॉन नलिन ने लिखा है और इसे डायरेक्ट भी उन्होंने ही किया है। 110 मिनट की इस गुजराती फिल्म छेल्लो शो को ऑस्कर में एंट्री मिलने से सारे प्रिडिक्टर्स भी शॉक्ड हैं, क्योंकि लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ट्रिपल आर या दी कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऑस्कर 2023 के लिए 20 सितंबर को भारत की तरफ से छेल्लो शो को भेजे जाने के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। सोनम कपूर जब से मां बनी है, एक्ट्रेस के फैंस उनके बेटे की एक झलक पाने को बेताब हैं। अब अभिनेत्री ने अपने फैंस की ये ख्वाहिश पूरी कर दी है और साथ ही अपने बेटे का नाम का ऐलान भी कर दिया। सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने बताया है कि कपल ने अपने बच्चे का नाम वायु रखा है। कपल ने अपने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की है, जिसमें उन्हें पीले रंग के कपड़ों में पोज देते हुए देखा जा सकता है। फोटो पर रिएक्शन देते हुए एक्ट्रेस के फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं और फैमिली फोटो पर प्यार बरसा रहे हैं। सोनम ने अपने पोस्ट में बताया कि हिंदू धर्म में वायु 5 तत्वों में से एक प्रतीक है। वायु खुद में शक्तिशाली भगवान है, इसीलिए हमने अपने बेटे को वायु नाम दिया है। वीर सावरकर की बायोपिक एक बार फिर सुर्खियों में है। फिल्म का निर्देशन महेश मांजरेकर करने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करने से इनकार कर दिया है। फिलहाल फिल्म के नए निर्देशक की घोषणा नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि बिग बॉस की होस्टिंग और दूसरे कमिटमेंट्स की वजह से उन्होंने इस फिल्म से दूरी बना ली है। जानकारी के मुताबिक निर्माताओं से बातचीत के बाद उन्होंने आपसी सहमति से खुद को फिल्म से अलग कर लिया है। ब्रह्मास्त्र फिल्म के पहले पार्ट को देखने के बाद लोग अब इसके आगे की कहानी देखने के लिए काफी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी फैंस इस फिल्म के अगले भाग को लेकर नई नई थ्योरीज दे रहे हैं। इस बीच रणबीर और आलिया ने फिल्म के दूसरे भाग पर खुलकर बात की। ब्रह्मास्त्र भाग 2 में देव और अमृता की भूमिका के बारे में बात करते हुए आलिया ने कहा, अभी कोर टीम के बाहर कोई नहीं जानता कि देव और अमृता कौन है, इन किरदारों को कौन निभाएगा। इस पर अटकलें लगाना अच्छा है, लेकिन इस बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि वे अमृता के रूप में किसे देखना चाहती हैं, तो आलिया ने कहा कि अमृता के लिए दीपिका पादुकोण निश्चित रूप से भव्य और तेजस्वी हैं। अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुलप्रीत सिंह की फिल्म थैंक गॉड अब मुश्किल में घिरती दिखाई दे रही है। ट्रेलर रिलीज होने के कुछ दिन बाद लोगों ने फिल्म को लेकर विवाद शुरू कर दिया है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर फिल्म को बैन करने की मांग उठ रही थी। अजय देवगन इस फिल्म में चित्रगुप्त के किरदार में नजर आएंगे। वहीं अब केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी फिल्म को बैन करने की मांग पर एक खत लिख दिया है। इस लेटर में दावा किया गया है कि अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड में भगवान के रूप को गलत तरीके से दिखाया गया है, इसीलिए उन्होंने फिल्म को बैन करने की मांग की है। और इसी के साथ फिल्म जगत की खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।